में आप सभी का स्वागत है। आज की खास खबरें। में आए दिन कहीं न कहीं भूमि पूजन और नारियल तोड़ने का आयोजन अक्सर देखने को मिलते रहता है। ऐसा ही नजारा प्रभाग क्रमांक 14 के धसकुलपाड़ा में कुछ महीने पहले देखने को मिला था। दरअसल कुछ महीना पहले धसकुलपाड़ा में पानी की पाइपलाइन गिराकर नारियल तोड़ने और भूमि पूजन का आयोजन वहां के स्थानीय नगर सेवकों और महापौर के हाथों करवाया गया था और सभी लोग अपना अपना फोटो फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करके खूब सराहनाएं बटोर रहे थे। लेकिन पानी का पाइपलाइन अभी तक जहां का तहां जैसे का जैसा वैसा वही पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि अब नेताओं का काम सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही सिमट कर रह गया है। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गुप्ता और इब्राहिम से की इस खास खबर पर। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम सुप्रीम टीम समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से गुजर ही रहे थे कि हमारी नज़र जो है बीएमसी के पाइप पे पड़ी और जो बीएमसी का ये जो पाइप है, देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे भी है बीएमसी का पाइप। आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी है, ये पानी का पाइप है और ये जो पानी का पाइप है ये कब से पड़ा हुआ है, कुछ हम यहाँ के रहवासियों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब से पड़ा हुआ है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर ये पाइप वैसे कितने दिनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये पानी का पाइप? ये पाइप तो एक साल के ऊपर हो गया। एक साल के ऊपर हो गया? हाँ। तो ये पाइप आया किस वजह, किस लिए आया? पाइप डालने के लिए आया लेकिन अभी डल नहीं रहा है, पता लग रहा है कि कोई रोक रहा है, कौन रोक रहा है वो भी सामने नहीं मालूम पड़ रहा है। यानी सरकारी काम में जो बाधा बन रहा है कोई? हाँ, कोई तो कोई बाधा बन रहा है लेकिन वो सरकार को करना चाहिए। डामर का रोड बनाया, सब कुछ बनाया तो उसकी प्रॉपर्टी है ना। चलिए एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ रोक करके मैं ये बता दूँ कि जिस तरह से ग्रीन विलेज के अंदर में जो ज़मीन है सरकार ने अपने ताबे में उसको ले लिया जबकि वहाँ पे लोग रहते थे, अब यहाँ पे जो सरकारी रोड है, सरकारी काम है, इसको अभी तक अपने ताबे में नहीं ले रही है, इस पर काम नहीं कर रही है क्योंकि इससे लोगों को फ़ायदा होगा इसके लिए, और वहाँ सरकार को फ़ायदा था, यहाँ लोगों को जनता को फ़ायदा होगा, वहाँ सरकार को फ़ायदा हो रहा था, इसके लिए जो है इस काम को साल भर तक रोक दिया गया और वो काम को जो है जल्द से जल्द किया जा रहा है। तो और कितने दिनों में ये काम होने का कुछ है कि ये कब तक हो जाएगा? कोई ऐसा नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सर। तो जब पीने का पानी फिर आप लोग के लिए आता कहाँ से? पीने का पानी इधर अपनी पुरानी सोसाइटी है यहाँ पे आता है। अच्छा, यहाँ ऑलरेडी मतलब सरकारी बीएमसी का पानी आता है? का पानी यहाँ पे आया है, मतलब कि 2009 में ही हम लोग का लाइट पानी सब आया था, तब से है इधर, लेकिन इधर के लिए नहीं है। इधर के लिए नहीं है? तो यहाँ पे बाधा जो बन रहे हैं वो मतलब कौन लोग हैं, कोई सरकारी मतलब या तो कोई राजनीति बाधा है या फिर क्या, कैसी बाधा? नहीं, इसमें राजनीति मिलजुल के कर रहे हैं, बाकी सरकार के जहाँ डामर पड़ गया है, रोड बन गया, गटर बन गया, स्ट्रीट लाइट लग गई, इसके बाद भी सरकारी जमीन होती है कि नहीं होती है ये हर एक आदमी जानता है कि सरकारी ज़मीन होती है, लेकिन इस पर जो है कि सरकार क्यों नहीं इस पर दे रहा है? दूसरा कोई अगर रुकाने आ रहा है तो सरकार उस पर लड़ सकती है ना कि हमारी ज़मीन है। चलिए, वहाँ पे ग्रीन विलेज में जो है वहाँ पे लोगों ने बाधा बने तो उन पे केस हो गया, FIR हो गया, अगर यहाँ पे भी अगर कोई बाधा बन रहा है तो उस पे भी केस होना चाहिए, उस पे भी FIR होना चाहिए। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि अच्छा ये किसके राजकरण में हुआ था, ये किसके वक्त में ये पाइप गिरी थी, किसने गिरवाया था? ये अभी BMC के तरफ से नगर सेवकों है ये सब गिरवा। किस कौन से नगर सेवक? जैसे ज्योत्सना महापौर हो गई है, मीरा देवी हो गई है और सचिन मात्रे हैं, यही सब गिरवाए ना। तो ये उस वक्त फिर यहाँ पे भूमि पूजन की जैसे कि यहाँ पे नारियल वारियल फोड़ने आए होंगे? नारियल फोड़ने आए थे, नारियल तो फोड़ने आए थे, अनिल भोसले भी आए, सब लोग नारियल फोड़ते हैं। अच्छा, सिर्फ नारियल फोड़ दिया गया है? जो कि नगर सेवकों जो है ना एकदम काम नहीं कर रहे थे, यहाँ पे एक केश लाल यादव जो है कांग्रेस के जो है साल भर के पहले यहाँ पे आए, तो वो जो है भरपूर पब्लिक में जा करके पब्लिक की सेवा के लिए जो कि रोड लाइट बनाना सब कुछ करना वो किए, तो उसके काम दिखाने की वजह से फिर केश लाल के जरिए ये पाइप जो है फिर नगर सेवकों ने काम पे लग गए और काम किए, करना शुरू किए, लेकिन ये पाइप खाली गिरा करके ऐसे रोड पे पड़ी। चलिए मैं बता दूँ, केश लाल यादव ये जिला उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने बहुत कुछ काम किया है, वैसे बहुत काम किया है, क्योंकि इन्हीं को देख करके यहाँ के नगर सेवक को होश आया और उसके बाद में जो है उन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू किया है। ये जो पानी की जो पाइपलाइन है शायद ये बता रहे हैं उन्हीं के वक्त में जो गिरा हुआ है। देखिए कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ कि यहाँ पे जो पानी है, ये जो पानी की पाइपलाइन कब से आई हुई यहाँ पे? ये करीब एक साल से इधर ही है। तो काम हो रहा है या सिर्फ रखी हुई है? नहीं, कब से रखी है, बहुत देर। जो नगर सेवक यहाँ पे आए थे वो सिर्फ नारियल फोड़ के चले गए? चले गए बस। तो वो नारियल का पानी ही जो है पाइप गिर गई, क्या कह रहे? एक लड़के का पैर भी टूट गया है, पाइप गिर गई, क्या कह रहे हैं?
क्या कह रहे हैं? घसक जाता है, कितने बच्चों का हादसा हो चुका है, ये घसक जाता है, बच्चे इस पर आकर खेलते हैं, ये गोल गोल पाइप है, ये सरक जाता है, बच्चों को लग जाती है चोट। चलिए, ये जो है बीएमसी ने इन लोगों को इनाम दिया है ताकि सरक के गिरते रहे, लड़ते रहे, भिड़ते रहे और शॉर्टकट से रास्ता कहीं और मापते रहे। अच्छा ठीक है, ये अभी तक का आप लोगों ने इसके खिलाफ कुछ बोला नहीं क्या बीएमसी को? बोलना तो चाहिए ना आप लोग को, आप ही लोग बोलोगे तब होगा ना। महाराज जी ने तो बहुत बार कंप्लेन किया रहेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका कुछ वो नहीं निकाले। आपने कंप्लेंट किसको की थी? ये नगर सेवकों को बोला जाता है, महापौर को बोला जाता है, कब आएगा, तो सब कोई जवाब ही नहीं उनके पास। चलिए ठीक है, कोई जवाब नहीं, जवाब यही है कि ये पाइप पड़ी रहेगी, यहाँ के बच्चे और बाइकें जो है लड़ती रहेगी, गिरते रहेंगे ये लोग, इसी तरह से होता रहेगा। खैर, अगर बीएमसी ये चीज़ को देख रही है तो जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले, क्योंकि ये अब घातक होते जा रहा है लोगों के लिए। ये कब सरक करके नीचे चला जाएगा, हो सकता है कोई गाड़ी जो है जल्दी से जल्दी यहाँ से जा रही हो, कोई बच्चे खेल रहे हों, उनको लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब घातक चीज़ है, इसकी जिम्मेदार फिर बीएमसी है। मैं बता दूं कि बीएमसी का काम है जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को पानी देना, जो इनका अधिकार है। ये मुफ्त में, अच्छा आप लोग मुफ्त में मांग रहे हो क्या? नहीं नहीं, जो हमारा अधिकार है, हम अधिकार मांग रहे हैं, अधिकारी हैं, सब कुछ देते हैं हम। चलिए, ये इनका अधिकार है, इनको पता है, ये अधिकार है, उनको बीएमसी देना चाहिए। इसी के साथ में मैं इब्राहिम, सुप्रीम टीम समाचार में महेंद्र गुप्ता के साथ में, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।